मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन बहरिया के दस्ते जापान पहुंच गए। जंग अजीम दोम के बाद जापान की सबसे बड़ी फौजी तैयारी। सिर्फ 5 सालों के जीडीपी में जापान फौजी अखराजात को 2% तक बढ़ा देगा। कैनेडियन वजीर आजम का ग्रोसरी की कीमतों से निमटने के लिए नए इकदाम का ऐलान। ट्रूडो का कहना है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। लंदन ऑन्टेरियो में लिबरल्स की कॉकस मीटिंग के अख्तिताम पर नए इकदाम सामने आए हैं। कैनेडियन हुकूमत का वबाई अमराज के छोटे कारोबारी कर्जों की अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान। कारोबारी वकला का कहना है कि आखिरी तारीख में मजीद तौसी करने की ज़रूरत है। ट्रूडो का कहना है कि अपने लोगों की आसानी के लिए ये फैसला किया है। अमरीकी सदर के बेटे पर फर्द जुर्म आए, 10 साल कैद हो सकती है। अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन पर असलहा रखने का इल्ज़ाम है। हंटर बाइडन को गैर कानूनी असलहा रखने और झूठा बयान देने के 2 इल्ज़ाम का सामना है। रूस ने 2 अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी सिफारतकारों को 7 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीका का कहना है कि रूस का हमारे 2 सिफारतकारों को मुल्क बदर करना गैर कानूनी और बिला जवाज है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just 1 strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. जैसे ही कनाडा की बहरिया जापान पहुंची, टोक्यो ने दूसरी जंगे अजीम के बाद सबसे बड़ी फौजी तैयारी शुरू कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे ही कनाडा की बहरिया जापान पहुंची, टोक्यो ने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी फौजी तैयारी शुरू की। सिर्फ 5 सालों में जापान फौजी अखराजात को जीडीपी के 2% तक बढ़ा देगा। रॉयल कैनेडियन नेवी के पूरे पैसिफिक फ्रिगेट बेड़े का 1/3 जापान का दौरा कर रहा है। इसके बरक्स जापान की बहरिया बहुत बड़ी है और उसकी हुकूमत दूसरी आलमी जंग के बाद अपने सबसे बड़े फौजी अखराजात पर काम कर रही है। जापान ने हाल ही में अपनी मुसल्ह अफवाज को एक बड़ी इलाकाई ताकत में तब्दील करने के लिए $433 बिलियन के अपग्रेड मंसूबे का ऐलान किया है। चीन और चीनी जहाज़ों को मार करने के काबिल मिसाइल खरीदना और इस बात को यकीनी बनाना कि जापान अमरीका और चीन के बाद दिफा पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। अखराजात में 65% इजाफे का मतलब यह होगा कि जापान 2027 के बाद जीडीपी के 2% को दिफा की तरफ ले जाने के निशान पर पहुंच जाएगा, लेकिन दोनों चालों के पीछे। कनाडा का खत्ते में बहरी जहाज भेजना और जापान की फौजी सरमायाकारी चीन के असर रसूख के खिलाफ एक पुशबैक है। अब इसकी बहरिया में तकरीबन 355 बहरी जहाज और आबदोजे हैं, जो इसे साइज के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बनाती है। माहिरीन का कहना है कि जापान वाकई इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसके पास अपने दिफा के लिए काफ़ी सलाहियत मौजूद है। ये बुनियादी तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि जापान अपने दूर दराज जजीरों और इलाकाई पानियों के खिलाफ चीनी खतरात का जवाब देने की सलाहियत रखता है। जापान की बहरिया 150 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल है, जिसका हजम चीन के निस्फ से भी कम है। लेकिन अमेरिका से 1500 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की मुतवक्के खरीदारी इसे ताइवान तक चीनी बहरी जहाज़ों को डुबोने की सलाहियत फराहम करेगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ग्रोसरी की कीमतों से निमटने के लिए नए इकदाम का ऐलान किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
जिंदगी की लागत के बारे में वसी खदशात का जवाब देने के दबाव और अपनी क़यादत के बारे में सवालात का सामना करने के लिए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जुमेरात को नए इकदाम का ऐलान किया, जिसका मकसद मकानात और ग्रोसरी की कीमतों में इजाफा करना है। ट्रूडो का यह ऐलान लंदन ऊंट में लिबरल काकस के इजलास के अख्तिताम पर सामने आया। इसमें वो भी शामिल है जिसे एक वजीर ने हुकूमत के चैलेंजेस और घुटती हुई सियासी किस्मत के बारे में मजबूत बहस करार दिया। पूरे लिबरल काकस के साथ मिलकर ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत नई तरक्की को फरोग देने के लिए नए किराए के अपार्टमेंट्स की तामीर से GST को हटा देगी। लिबरल्स भी अब म्यूनसिपलिटी से हुकूमत के हाउसिंग एक्सकेलेटर फंड तक रसाई के लिए खारजी जोनिंग पॉलिसियों को मनसूख या तरमीम करने का मुतालबा करेंगे। वफाकी हुकूमत बड़े ग्रोसरों से भी मुतालबा कर रही है कि वो ग्रोसरी की कीमतों को करीब मुद्दती में मुस्तहकम करने के मंसूबे लेकर आएँ। ट्रूडो ने खबरदार किया कि अगर ग्रोसरी कंपनियाँ थैंक्स गिविंग के ज़रिए इस तरह के मनसूबे तैयार करने से कासिर हैं तो लिबरल्स मज़ीद कार्रवाई करेंगे और हम टैक्स के इकदाम समेत किसी भी चीज़ को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि वो मसाबकती ब्यूरो को बाख्तियार बनाने के लिए कानून साजी करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉरपोरेट इंजमाम और हसूल का सामान और खदमात की बर्दाश्त पर कोई मनफी असर ना पड़े। कैनेडियन इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ट्रूडो ने नामा निगारों को बताया, और हम वहाँ जा रहे हैं जैसा कि हम हमेशा लोगों की पुश्त पनाही करते रहे हैं। ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी करें जो कैनेडियंस को सपोर्ट करते हैं और साथ ही मईशत को तरक्की देते हैं। नए इकदाम वफाकी हुकूमत के ऐलान के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिसकी इसे उम्मीद है कि कैनेडा के शहरों के साथ नए मकानात की तामीर को तेज़ करने के लिए माहदों का एक सिलसिला होगा। कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत अपने छोटे कारोबारी वबाई कर्ज़ों के प्रोग्राम की अदायगी की आखिरी तारीख में एक साल की तौसी कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत अपने छोटे कारोबारी वबाई कर्ज़ों के प्रोग्राम की अदायगी की आखिरी तारीख में एक साल की तौसी कर रही है, लेकिन कारोबार अब भी कर्ज़ के काबिल माफ़ी हिस्से से महरूम हो जाएंगे अगर वो आने वाले महीनों में अदायगी नहीं करते हैं। कैनेडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट वबाई मर्ज के उरूज पर मुतारिफ कराया गया था ताकि छोटे कारोबारों को सेहत आमा के इकदाम की वजह से अपने काम बंद करने या महदूद करने पर मजबूर ना हो। प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत के तावन से बिला सूद कर्जों की पेशकश की गई। एक कारोबार प्रोग्राम के जरिए $60,000 तक के लिए दरख्वास्त दे सकता है। $20,000 तक माफ़ कर दिया जाएगा अगर बकिया एक मुकर्रा वक्त तक अदा कर दिया जाए। असल अदायगी की आखिरी तारीख 2022 का अख्तिताम थी, बाद में इसे 2023 के आखिर तक बढ़ा दिया गया। कोई भी कारोबार जो इस डेडलाइन से महरूम रहता है वो सूद देना करना शुरू कर देगा और इसे 2025 के आखिर तक कर्ज़ की मुकम्मल अदायगी करनी होगी। इस डेडलाइन को अब 2026 के आखिर तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि जब बहुत से लोगों ने इन कर्ज़ों को वापस कर दिया है, हम जानते हैं कि कुछ को और रनवे की ज़रूरत है। कर्ज़ों की माफ़ी के अहल होने के लिए कारोबारों को 18 जनवरी 2024 तक एक छोटी तौसी दी जाएगी। जिन कारोबारों ने अपने कर्ज़ों को दोबारा फाइनेंस किया उन्हें अहल होने के लिए 28 मार्च तक का वक्त दिया जाएगा। अगर 19 जनवरी तक अदायगी ना की गई तो तमाम कर्जों पर 5% सूद जमा होना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम के लिए तकरीबन 9,00,000 कारोबारों को मंजूरी दी गई थी जिसने सिर्फ $49 बिलियन से ज़्यादा के कर्जे तकसीम किए थे, लेकिन उन कारोबारों में से सिर्फ 21% ने 31 मई तक अपने कर्जों की मुकम्मल अदायगी की थी। वफाकी हुकूमत पर मुतअद्दिद कारोबारी वकालत ग्रुपों की जानिब से 2023 के बाद की आखिरी तारीख में तौसी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है। कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर ने कहा कि यह ऐलान इस बात का इशारा है कि हुकूमत कारोबारी खदशात को सुन रही है। चैम्बर आज के ऐलान पर अमल दरामद की कड़ी निगरानी करता रहेगा, जिससे हमें उम्मीद है कि कारोबारों को अपने पैरों पर खड़ा होने, अपनी बिरादरियों को मजबूत बनाने और कैनेडा को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए कुछ इस्तेहकाम और यकीन फराहम करेगा। CABA का ऐलान इन नए इकदाम के सिलसिले का हिस्सा था जिसका जुमेरात को ट्रूडो ने ऐलान किया था, जिसका मकसद ज़िंदगी की लागत के बारे में खदशात को दूर करना है क्योंकि हुकूमत करने वाले लिबरल्स को पोलिंग नंबरों में कमी का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर 3 इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई। हंटर बाइडन को सज़ा हो जाती है तो ये उनके वालिद जो बाइडन की दोबारा सदर बनने की इंतखाबी मुहिम पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अमरीकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर 3 इल्ज़ामात के तहत फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। हंटर बाइडन को सज़ा हो जाती है तो ये उनके वालिद जो बाइडन की दोबारा सदर बनने की इंतखाबी मुहिम पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। अमरीकी सदर के बेटे पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 5 साल कबल जब बंदूक खरीदी तो बताया था कि वो नशा नहीं करते, जो कि झूठ था, और बाद में उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वो बेतहाशा नशा करते थे। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक हंटर जो बाइडन पर गैर कानूनी असलहा रखने और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठा बयान कलमबंद कराने के जिन इल्ज़ामात की फर्दे जुर्म आयद की गई उनमें सज़ा 10 साल कैद हो सकती है। याद रहे कि हंटर बाइडन पर ये इल्ज़ामात महकमा इंसाफ के खसूसी वकील डेविड वेस्ट ने 2018 में दायर किए थे। तजिया कारों ने कहा है कि 53 साल हंटर बाइडन को सज़ा हो जाती है तो ये उनके वालिद जो बाइडन की दोबारा सदर बनने की इंतखाबी मुहिम पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात रिपब्लिकन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि सदर जो बाइडन के बेटे को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, तहम इस इल्ज़ाम से मुतालिक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ये पहली बार नहीं जब हंटर बाइडन अपने वालिद जो बाइडन के सियासी करियर में नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इससे कबल भी एक खातून ने हंटर के दोस्त होने और उनकी बेटी की माँ होने का दावा किया था। रूस ने अमेरिका के 2 सफारतकारों फर्स्ट सेक्रेटरी जेफरी सेलन और सेक्रेटरी डेविड ब्रंस्टियन को 7 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस ने अमेरिका के 2 सफारतकारों फर्स्ट सेक्रेटरी जेफरी सेलन और सेक्रेटरी डेविड ब्रिंस्टन को 7 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने रूस के इस इकदाम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बातचीत के जरिए मसला हल करने के बजाय तस्दम का रास्ता इख्तियार किया गया जिसका मुनासिब जवाब देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रवां बरस के आगाज में अमरीकी सिफारत खाने के एक साबिक मुलाजिम को हिरासत में लिया गया था। रूसी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक उस मुलाजिम ने बताया था कि उससे अमरीकी सिफारतकारों जेफरी सेलन और सेक्रेटरी डेविड ब्रिंस्टन ने यूक्रेन में रूस की फौज और जंगी कार्रवाई से मुतालिक मालूमात ली थी, जिस पर इन दोनों सिफारतकारों जेफरी सेलन और सेक्रेटरी डेविड ब्रिंस्टन को मुल्क बदर किया जा रहा है। अमेरिका ने रूस की जानिब से सिफारतकारों की बेदखली के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि रूस का हमारे 2 सिफारतकारों को मुल्क बदर करना गैर कानूनी है और अमेरिका की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि रूस की तरफ से हमारे 2 सिफारती मुलाजमीन को मुल्क बदर करना बिला जवाज है। रूस में अमरीकी सिफारत खाने के एक अहलकार ने भी रूसी खबर इदारे को खसूसी बयान देते हुए कहा कि अमरीका रूस को अमरीकी सिफारतकारों की बेदखली का जवाब देगा। ज़राए के मुताबिक अमरीका ने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है, जिनकी बुनियाद पर मास्को में अमरीकी सिफारतखाने के 2 मुलाजमीन को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया गया था। रूसी हुकाम के मुताबिक मस्कूरा अमरीकी सिफारतकार एक साबिक रूसी मुलाजिम के लिए राबता एजेंट थे। इन दोनों को इस साल के आगाज में गिरफ्तार किया गया था। इन पर यूक्रेन के तनाजे के मुतालिक मालूमात अमरीका को फराहम करने का शुबा था। रूसी ऐलान के बाद अमरीका ने इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।